बीते दिन संसद भवन में सदन की कार्यवाही के दौरान हुई सुरक्षा में चूक की घटना पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस घटना के तुरंत बाद सांसदों में अफरा तफरी मच गई थी और सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी। इस घटना के बाद संसद में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इसी बढ़ाई गई सुरक्षा के बीच केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद भवन पहुंचे। वहीं सोनिया गांधी भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संसद भवन पहुंची। मकर द्वार से केवल सांसदों को ही संसद भवन में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है और भवन में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों के जूते उतरवा कर भी उनकी गहन जांच की जा रही है। लोकसभा सचिवालय ने कल की सुरक्षा चूक की घटना के लिए 8 कर्मियों को निलंबित कर दिया है। नए संसद भवन में पहली बार सुरक्षा में हुई बड़ी चूक को लेकर जहां एक तरफ विपक्ष के सांसद केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ संसद भवन की बनावट पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी चूक है, तो समझिए वो क्रेकर लेके आया था, अब बम लेके आता, गोली लेके आता तो क्या होता। और ये और सबसे पहली बात है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद का पास के नाम से पास इश्यू हुआ था। किसी विपक्ष के नाम से इश्यू होता तो अभी हम लोग का हाल जेल में रहते। मेरा सवाल ये है कि 3 सिक्योरिटी रिंग्स पास करने के बावजूद, एक्सरे मशीन्स पास करने के बावजूद भी ये इंसिडेंट सामने आता है। इट रिवील्स लैप्स ऑफ सिक्योरिटी मेजर्स, और ये इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, उनको ये जनता को जवाब देना चाहिए। और न्यू पार्लियामेंट डिजाइन आप देखिए, एक ही गेट से सभी की एंट्री है, विजिटर्स की, मीडिया की, एमपीज की, सभी की। इतनी भीड़ वहां पे लगी रहती है। विजिटर्स गैलरी सिर्फ 10-12 फीट का डिफरेंस है फ्रॉम द लास्ट रोज ऑफ द पार्लियामेंट एंड द चेंबर एंड द विजिटर्स गैलरी। पहले 25 फीट होती थी। मैंने ये चिट्ठी लिखी थी स्पेशल सेशन में कि इतनी तादाद में लोग आते हैं कि कुछ भी मूवमेंट भी हो रहा होता है, अगर ज्यादा लार्ज मूवमेंट होता है तो आवाज आती है, वो अगर जोर से बात कर रहे होते हैं तो डिस्टर्बेंस होता है। और खास करके नारेबाजी हुई थी वहां पर राज्यसभा में। मैंने ये भी कहा था कि इस पे आप कार्रवाई करिए, पर कोई जवाब मुझे मिला नहीं। विपक्ष द्वारा लगातार की जा रही बयानबाजी को सत्ता पक्ष के नेता राजनीतिक एजेंडा बताकर इसकी लगातार आलोचना कर रहे हैं। विपक्ष को ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति करना ये किसी भी प्रकार से मुनासिब नहीं है। और विपक्ष का एक उनको मानसिक रोग हो गया है, नकारात्मक रोग हो गया है, जिसका जो है उनका इलाज होना चाहिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूँ कि विपक्ष के हमारे जितने शीर्षस्थ नेता हैं उनका मेंटल चेकअप कराएं और उनका इलाज कराएं।